इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आतंकी संगठन हमास को लास्ट वार्निंग दी है। गाजा को मिट्टी में मिला चुके नेतन्याहू ने अब राफा शहर में ऑपरेशन करने की चेतावनी दी है। आखिर राफा में क्यों बम बरसाना चाहता है इसराइल और हमास को नेतन्याहू की लास्ट वार्निंग क्या है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। एक के बाद एक गोलियों की आवाज, धाएं धाएं धाएं, ये इलाका जरूर गाजा का है, लेकिन धमाका इजराइल का है। बेंजामिन नेतन्याहू के सैनिकों को जहां भी आतंकी के छिपे होने का पता चलता है उसे उड़ा दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई अब गाजा पट्टी के उस राफा शहर में होने वाली है जो अब तक तबाही से बचा हुआ है। जिस तरह पूरा गाजा बम धमाकों से गूंज रहा है, जिस तरह गाजा जंग की आग में जल रहा है, जिस तरह बड़ी बड़ी इमारतें ढह गईं, हजारों आशियाने मिट्टी में मिल गए और लाखों लोग बेघर हो गए, क्या कहीं ऐसे ही हालात राफा के होने वाले हैं? क्या गाजा की तरह राफा भी उस दौर में पहुंच जाएगा जहां पैराशूट से पीड़ितों को मदद भेजी जाएगी? ठीक इस तरह इन सभी सवालों की एक ही वजह है, हमास को इजराइल की आखिरी चेतावनी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सामने नई पेशकश रखी है। उन्होंने साफ साफ कहा है हमास के पास आखिरी मौका है, वो बंधक बनाए गए इसराइल के नागरिकों को छोड़ दे, नहीं तो अगला हमला राफा शहर में होगा। इसराइल के विदेश मंत्री का दावा है कि उनकी सेना राफा शहर में ऑपरेशन की तैयारी में जुट चुकी है। 7 महीने से हमास के खिलाफ जंग लड़ रही नेतन्याहू सरकार राफा पर अटैक करने की जल्दी में क्यों है? इसका जवाब जानने से पहले राफा के बारे में जानना होगा। राफा गाजा पट्टी का ही एक हिस्सा है जो इजिप्ट से सटा है। क्षेत्रफल में गाजा पट्टी का 20% हिस्सा राफा है। इसराइल के हमले से पहले तक वहां करीब 2.5 लाख लोग रहते थे, लेकिन इस वक्त यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 15 लाख से ज्यादा लोग राफा में रह रहे हैं। सैकड़ों रिफ्यूजी कैंप बने हैं जहां गाजा से जान बचाकर गए लोग रह रहे हैं। नेतन्याहू का टारगेट अब राफा क्यों है, इसका जवाब आपको इस वीडियो में तलाशना होगा। तेल अवीव में सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये पुरानी नहीं नई तस्वीर है और ऐसी तस्वीरें कई दिनों से लगातार आ रही हैं। ये लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफा मांग रहे हैं। इनकी एक ही शर्त है कि इसराइल के लोगों को हमास के कब्जे से छुड़ाओ, नहीं तो इस्तीफा दो। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया था। उस आतंकी हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। 130 से ज्यादा लोग अब भी बंधक बने हुए हैं, इनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। उसके बाद इसराइल ने गाजा में ऑपरेशन शुरू किया। हमास के मुताबिक इसराइल हमले में अब तक 34,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी को पता चला है कि राफा में हमास की 4 बटालियन छिपी हुई है और जब तक इन्हें निपटाया नहीं जाता तब तक बदलाव पूरा नहीं होगा। इस वक्त के हिसाब से आई थिंक नेतन्याहू और इसराइल को अपॉर्चुनिटी दिखेगी और वो रफा को लेकर के जो अपनी मिलिट्री एक्टिविटी करना चाहते हैं उसको वो अंजाम देने का प्रयास करेंगे। हमस सीज फायर को अवॉइड भी कर सकता है, उसे है कि इतना जुल्म हो गया इनोसेंट पैलेस्टीनियंस के ऊपर तो थोड़ा और हो जाए, क्योंकि इसमें हमस को डायरेक्टली शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, तभी वो होस्टेजेस छोड़ नहीं रहा। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश इसराइल से सीज फायर करने को कह रहे हैं। दुनिया के दबाव के आगे नेतन्याहू अब तक नहीं झुके, लेकिन अपने देश की जनता का दबाव जिस तरह से बढ़ रहा है उसे देखते हुए नेतन्याहू ने ऑपरेशन राफा लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीबी इंडिया।